सो कहानी की शुरुआत हमारे हैंडसम हीरो गैंग से होती है, जो कि DOL ग्रुप का CEO है और बहुत ज़्यादा फेमस होने के साथ साथ काफ़ी हैंडसम भी है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही उसकी फोटोज और उसकी अचीवमेंट मैगजीन्स में जो आती रहती थी। साथ ही वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन इंसान भी है, जिसको अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड, जो कि एक एनिमल्स की डॉक्टर है, इसका नाम यूनसियो है, हमें साइकिल से जाते हुए दिखाई देती है और जाते हुए रास्ते में उसे एक लोन की एडवर्टीजमेंट बोर्ड मिलती है, जहाँ पर वो अपने वेट क्लीनिंग की एड को चिपका देती है। तो अपने क्लिनिक में पहुंच कर उसे काफी सारे जानवर को इंजेक्शन देना होता है, जिसमें से उसे काफी परेशानी होती है। उसके बाद जब वहां से निकलती है तो उसे उसके दोस्त जिन की कॉल आती है, जो कि उसे कॉलेज रियूनियन में आने के लिए इनवाइट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैंग भी अपने डेली रूटीन को डिसिप्लिन में रखते हुए टाइम के साथ उठता है, तैयार होकर फटाक से ऑफिस पहुंचाता है, जहां पर उसे उसका सेक्रेटरी एक डॉग के साथ में दिखता है। जैसे ही कैंग उस डॉग के बारे में पूछता है, वो बताता है कि ये हमारा कैंपेन का मॉडल है, लेकिन कैंग तो जानवरों को ज्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और शायद उसे जानवरों से एलर्जी थी, और वो ये काम अपने सेक्रेटरी को ही पकड़ा देता है। सीन शूट होता है, यूनसियो को पार्टी अटेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जिन उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करने लग जाती है लोगों से मिलने के लिए, ताकि उसकी क्लिनिक का प्रमोशन हो सके, जिसके साथ ही वो बहुत सारी बातें भी करती है और यूनसियो को एक उंगली पकड़कर डेट पिक करने के लिए भी बोलती है, लेकिन उसे अभी इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर उनके एक और दोस्त जिसका नाम यूरा है पहुँच जाती हैं, जो कि सियो को उसकी बोरिंग लाइफ के बारे में बोलती हैं, लेकिन यून उसे सीधा इग्नोर मार देती हैं। और दूसरे ही सीन में कैंग अपने शूट पर होता है कि तभी उनका मॉडल डॉग वहाँ से भाग जाता है। फटाक से कैंग अपने असिस्टेंट से उसे लाने के लिए कहता है, लेकिन डॉग उसी स्टोर के पास पहुंच जाता है, जहां पर यूनसियो ड्रिंक्स के लिए रुकी हुई थी। सियो उसे देखकर कुछ पिलाती है, क्योंकि वो काफी भूखा था, लेकिन तब तक कैंग वहां पहुंच जाता है और डॉग को उसे खींचने लगता है। सियो के रोकने पर वो बताता है कि ये मेरा डॉग है और उसे जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है, लेकिन सीओ से कहती है कि इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब कि इसकी तबीयत खराब है। जहां पर कैंग का सेक्रेटरी भी पहुंच जाता है और डॉग को वहां से ले जाता है। ऑफिस में जाते ही डॉग तो एकदम शांत हो जाता है, जिस पर कैंग को उसके ऊपर राइस पैक रखवाता है, जिससे कि उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। और वही दूसरी तरफ सीओ अपने घर पहुंचती है और जाकर अपनी कैट को खाना देकर उसे बातें करने लग जाती है, जिसके बाद अपनी इनकम कैलकुलेट करती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि वो अपना स्टूडेंट लोन नहीं दे पाएगी, लेकिन वो तो हर हाल में लोन देकर रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यहाँ पर कैंग भी अपनी पार्किंग में जा रहा होता है कि वहाँ पर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, जाकर बांध देते हैं। कैंग को होश आने पर वो बेहोश होने का नाटक करते हुए धीरे धीरे खुद को खोलने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एक गैंग मेंबर पहुँचता है कि तभी कैंग उस पर अटैक करता है। वहाँ पर जबरदस्त फाइट होती है और हमारा हीरो सारे मेंबर्स को हरा देता है, एक उसको चाकू मार देता है, जिससे कि वो काफी घायल हो गया था। जैसे तैसे करके वहां से निकलता है कि तभी सीओ भी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करके वहां से गुजर रही होती है कि तभी थंडरस्टॉर्म के बीच में कैंग से घायल मिलता है, जिसे लेकर वो अपनी क्लिनिक में पहुंच आती है और जैसे ही उसकी शर्ट हटाकर उसकी मरहम पट्टी करने की कोशिश करने वाली होती है कि उसे देखकर अट्रैक्ट होने लग जाती है। विल तो बेचारी जैसे तैसे करके उसके घाव पर स्टिच करके उसके साइड में ही थक कर सो जाती है, और सुबह जैसे ही कैंग उठता है तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और साथ ही एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर वहां से चला जाता है, जो कि वही सीओ की कैट डस्टबिन में ही गिरा देती है। सीओ फिर जैसे ही उठती है सोचने लग जाती है कि ये कितना अजीब इंसान है, जो कि मुझे बिना थैंक्स किए ही यहाँ से चला गया, यानी कि काफी रूड होगा, बदतमीज कहीं का। वेल तो वहीं दूसरी तरफ घर जाते हुए कैंग अपनी माँ से भी बात कर रहा होता है और जाकर अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाता है, जो कि कहता है कि जिसने भी तुम्हें ट्रीट किया है ना, उसने बहुत ही अच्छे से किया है, और अगर उसने स्टिचेस नहीं किए होते तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। कि तभी कैंग सोच रहा होता है कि सीओ ने उसे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। वेल तो फिर थोड़े टाइम बाद ही वो अपने सेक्रेटरी से उसकी डिटेल्स निकलवाता है, जिसे देखने के बाद सेक्रेटरी उसका डेब्ट पे करने के लिए सजेस्ट करने लग जाता है, लेकिन कैंग साफ इनकार कर देता है। और फिर जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद वो उसके क्लिनिक जा रहा होता है, जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी भी उसके साथ में जाता है। साथ ही वहाँ पर एक क्लाइंट अपने डॉग को ग्रूम करने के लिए सीओ को काफी ज्यादा सुनाकर जा रही होती है कि तभी सीओ क्लिनिक में नो ग्रूम का नोटिस लगाकर काफी हंसने लग जाती है, क्योंकि उसकी डॉग की हालत सीओ ने कुछ ज्यादा ही खराब कर दी थी।
वेल तो फिर कांगस की फोटो क्लिक कर लेता है और नेक्स्ट डे वो अकेले ही क्लिनिक जाता है, लेकिन बंद होने की वजह से वापस आ रहा होता है कि तभी उसे सीओ मिल जाती है और वो उसे क्लिनिक लेकर आती है, जहाँ पर कैंग उससे सीधा बिल मांगने लग जाता है अपने ट्रीटमेंट का और उसे वो बिल देती है, जहाँ पर कैंग को सीओ की कैट बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। जैसे फिर सीओ से उठा रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है और कैंग के ऊपर ही लैंड हो जाती है, जिससे कि दोनों काफी ज्यादा एम्बैरेस होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज जो आ गए थे। सीओ फिर उसे वहां से जाने के लिए बोलती है और ऑफिस जाकर कैंग अपनी नई बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा होता है और सीओ को भी वो बिल्डिंग दिखाकर बोलता है कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरा ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे से किया है उसके बदले में, लेकिन सीओ के लिए साफ इनकार कर देती है, जिससे कि कैंग का ईगो तो काफी हर्ट हो जाता है और वो अब उसे ये बिल्डिंग देकर ही मानेगा। फिर तो फिर सीओ क्लिनिक वापस जाती है, जहाँ पर उसका ओनर बता रहा होता है कि ये बिल्डिंग अब बिक चुकी है और उसे नई वाली में अब शिफ्ट होना पड़ेगा। जहाँ पर तभी कैंग का कॉल आती है और उसने ही ये सब कुछ किया था दोस्तों, जो कि उसे बिल्डिंग शिफ्ट करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन वे सीओ तो काफी गुस्सा हो जाती है ये सोच के कि वो अपनी अमीरी का धौंस चढ़ रहा है उसके ऊपर और इसलिए वो बहुत सारे ब्रोकर्स और लोन्स के लिए यहाँ पर भटक रही होती है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता। फाइनली फिर वो कैंग के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां जाकर वो उसके ऊपर सारा गुस्सा उतार देती है और रोने भी लग जाती है, जिससे कि एट लास्ट वो मान ही जाती है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। वेल तो फिर थोड़े टाइम बाद ही वो अपना क्लिनिक खोल लेती है और अपनी कैट के साथ में सेल्फी लेकर वहाँ पे लगा देती है, जो कि काफी ज्यादा क्यूट थी। और फिर एक शाम को कैंग वहाँ पर आता है और सीओ को सोता हुआ देखकर उसके पास बैठकर उसे घूरने लग जाता है। जैसे ही सीओ की आंख खुलती है तो उसे लग रहा होता है कि शायद वो सपना देख रही है और वो कैंग के गाल और चेहरे को छूने लगती है। जैसे ही फिर उसकी आंख पूरी तरह से खुलती है ना, तो वो काफी डर जाती है, जिस पर कैंग उसे पूछता है कि यहाँ पर क्यों सोती हो तुम। सीओ बोलती है क्योंकि मेरे पास अभी भी घर नहीं है, जिस पर कैंग फिर उसे अपने घर पर ही आने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी जान जो बचाई थी, इसलिए भाई अपना हीरो तो लगता है हीरोइन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। वेल तो सीओ तो उसे मना कर देती है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में कैंग अपने आप से ही बात कर रहा होता है कि तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसे कुछ लड़कियों की फोटोज देता है, जो कि उसकी माँ ने भेजी थी शादी करने के लिए, और वो सबको रिजेक्ट कर देता है और साथ ही सेक्रेटरी को सीओ के पास एक बड़ा सा बुके लेकर भेजता है और लंच के लिए उसे इनवाइट करता है, लेकिन सीओ तो उससे अपने क्लिनिक की सफाई ही करवाने लग जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा मजेदार सीन थे, और वहीं उसके साथ लंच करने लगती है। वेल तो वहीं पर कैंग भी सीओ का वेट करते करते बेचारा थक जाता है। जैसे ही क्लिनिक पहुंचता है, जहां पर उसका सेक्रेटरी सीओ के साथ में लंच कर रहा होता है, कैंग को तो काफी गुस्सा आता है कि उसका सेक्रेटरी आखिर ये क्या कर रहा है, उसे वहां से भगा देता है। शायद उसे जलन भी हो रही थी और वहां पर ही बैठ जाता है। सीओ से खाने के लिए बोलती है लेकिन वो तो मना कर देता है, लेकिन भाई उसके पेट में भी चूहे दौड़ने लग जाते हैं और एट लास्ट वो खाना भी खाने लग जाता है और खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। फिर तो थोड़ी देर बाद ही सीओ का मेल फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि कैंग के बारे में से पूछता है, तो सीओ से बताती है कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं जिन्होंने ये क्लिनिक स्पॉन्सर किया है। वहीं दूसरी तरफ यूरा भी जा रही होती है कि तभी वो सीओ का क्लिनिक देखकर सारे के सारे फ्रेंड्स को वहाँ पर बुलाने लग जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे वो लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर सबके सब सीओ से ट्रीट मांग रहे होते हैं, लेकिन वहाँ के रेंट इतने ज्यादा हाई होते हैं कि तभी वेटर एक वाइन की बॉटल लेकर आता है और ये पता चलता है कि भाई कैंग भी यानी अपना हैंडसम हीरो भी वहीं पर है और वो ही ये सब कुछ कर रहा था। वेल तो फिर खाना खत्म होने के बाद सीओ से साइड में लेकर जाकर बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी, और बिल देने के टाइम पे भी कई समय ये पता चलता है कि बिल तो ऑलरेडी हमारे हैंडसम हीरो ने चुका दिया है, जिसकी बात आकर कैंग उसे अपनी लग्जूरियस कार में लेकर जाता है, जहां रास्ते में वो कह रहा होता है कि तुम अपनी इन दोस्तों से ना ही मिलो तो अच्छा है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वो रास्ते में एक पार्क में रुककर उसे कह रहा होता है कि मुझे जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मॉम चाहते है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं और मैं चाहता हूं कि इसमें तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी इसमें हेल्प कर सकती हो और मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन सकती हो। सीओ तो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है कि तभी कैंग उसे प्रपोज करने लग जाता है और वो उसे चेहरे पर जोरदार पंच मारकर वहाँ से भाग जाती है। जाने के बाद वो खुद को लड़कों के बीच में घुलने मिलने के बारे में सोचती है और अपनी फ्रेंड क्योंग के साथ में डांस स्टूडियो में पहुँच जाती है और एक लड़के के साथ में डांस करने जाते टाइम बातों से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उसके पास कैंग का कॉल आता है, वो तो उसके प्रपोजल के बारे में पूछ रहा होता है और सीओ की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होने लग जाती है।
सियो भी सोचने लग जाती है कि बाकी लड़कों के साथ तो उसे ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं आती, तो कैंग के साथ में ही ऐसा क्यों होता है। और वो खुद को वहाँ पर बिजी बताकर कॉल को कट कर देती है और साथ ही वहाँ पर न्यू दोस्त भी बनाती है, दो जिनका नाम नानची और बेरा होता है। और उनसे बात करते हुए कैंग का कॉल फिर से आ जाता है जिसे कि वो रिजेक्ट कर देती है, जिससे कैंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वेल तो फिर नेक्स्ट दिन में कैंग उसके क्लिनिक पहुंचता है सीओ को उसे मिलने के लिए और उसे कहता है कि तुम्हें बस मेरे साथ 3 महीने ही रिलेशनशिप में रहना होगा, उसके बदले में मैं तुम्हारा कोई भी लोन और रेंट देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन सीओ उसे बताते है कि वो क्लिनिक बंद कर रही है, जिसके बाद कैंग उसे एक टेडी बियर कॉस्ट्यूम देकर क्लिनिक का एडवर्टीजमेंट करने के लिए बोलता है, जिससे कि उसके यहाँ पर और भी ज्यादा कस्टमर आए। और ये करने के बाद जब वो रात में क्लिनिक से वापस जाती है ना, तभी उसका फ्रेंड अपने बीमार डॉग को लेकर आता है, जिसे कि वो रात में ही वहीं पर छोड़ने के लिए बोलती है। जहाँ पर थोड़ी देर बाद ही कैंग आ जाता है और इसे कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हो और इसलिए मैं तुम पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये क्लिनिक को बंद कर दो। वेल तो फिर कैंग के इतने ज्यादा काइंड नेचर और सॉफ्ट नेचर को देखकर फाइनली सीओ भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है और उसके रिलेशनशिप के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। और नेक्स्ट डे ही उसका सेक्रेटरी डॉक्यूमेंट लेकर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स लेकर वहां पहुंचाता है, जिसकी शर्तें थी कि सीओ किसी भी लड़के से बात नहीं कर सकती है और उसे इस रिलेशनशिप को सबके सामने बिल्कुल ही रियल दिखाना होगा कि तभी दोनों साइन करने वाले होते हैं। और पहला दिन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, जहां से दोनों अपनी डेली लाइफ के काम करते हैं। वहीं कैंग भी अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि रिलेशनशिप में क्या करें, जिससे कि उसे पता चलता है कि दोनों साथ में खाते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में मूवी देखने के लिए जाते हैं और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीओ भी क्लिनिक बंद करके जा रही होती है कि तभी क्योंग उसे मिलती है, जो कि उसे डांस क्लास जाने के लिए बोलती है। और कैंग भी वहां पर पहुंच जाता है और तीनों ही क्लास में साथ में जाते हैं, जहां पर सीओ एक लड़के के साथ में प्रैक्टिस करने लगती है, जिससे कि कैंग को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, यानी कि अपने हीरो को जलन हो रही थी। लेकिन वो ये बात जानता नहीं था कि वो सीओ को प्यार करने लगा है। जहाँ पर फिर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है जियोरामेन। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वो हमारे हैंडसम हीरो कैंग को बहुत ज्यादा लाइक करती है बहुत पहले से ही, और कैंग उसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसके साथ ही कॉफी पीने के लिए चला जाता है, जहाँ जाके वो सीओ को कॉल करके सेम लोकेशन पे आने के लिए बोलता है। और सीओ के मना करने पर वो तो उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाते हुए धमकी देने लग जाता है, जहाँ पर कैंग की सारी बातें सीओ को माननी पड़ जाती है। आखिरकार जैसे वो वहां के लिए निकलती है कि तभी ह्यून पहुंच आता है, जो कि उसका डांस पार्टनर था, और वो उसे लिफ्ट देने के लिए बोलता है। और वहीं दूसरी तरफ मिन कैंग से बोल रही होती है कि वो उसे शादी करना चाहती है, लेकिन कैंग तो उसे कहता है कि मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। लेकिन भाई मिन को लग रहा होता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है, जहाँ पर सीओ भी पहुंच आती है तभी। और मिन जब सीओ की एज से पूछती है तो वो 30 बताती है, जिसके बाद फिर उन दोनों में बहस होने लग जाती है, जहाँ पर तभी ह्यून भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर मिन सीओ को प्ले गर्ल बोल देती है कि इसके तो ऑलरेडी काफी बॉयफ्रेंड्स हैं, जिस पर कैंग काफी भड़क जाता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर तो उसके बाद कैंग सीओ को किसी भी लड़के से मिलने के लिए मना करने लगता है और उसे लेकर जाता है, जहां वो कार में ही सो जाती है और अपना हैंडसम हीरो उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उठती है, वो उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, जहां पर वो अपनी बात को पलटते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं सोना चाहिए, तुम बहुत गंदी दिखती हो। और ये सुनते ही भाई अपनी हीरोइन को काफी गुस्सा आता है, और जैसे ही कैंग उसके पास आता है ना, सीओ की तो हिचकियां स्टार्ट हो जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्लिनिक में एक लेडी अपनी फीमेल डॉग को लेकर आती है और बताती है कि मेरी डॉग जब भी किसी मेल डॉग को देखती है ना, तो अचानक से उसे हिचकियां शुरू हो जाती हैं, जिससे कि सीओ को भी अपनी बात याद आने लग जाती है कि जब भी वो कैंग को देखती है उसके पास वो आता है, तो उसे भी हिचकियां स्टार्ट हो जाती है। तो आखिरकार ये माजरा क्या है। वेल तो फिर थोड़ी देर बाद ही मिन क्लिनिक में आती है और सीओ को ऑब्जर्व करने के लिए यूने भी ये बात कैंग को बता दी थी। वो कहता है कि तुम्हें जो करना चाहो तुम उसके साथ में कर सकती हो, जिसके बाद ही फिर सीओ और मिन की जबरदस्त बहस स्टार्ट हो जाती है और सीओ से काफी अच्छा सबक सिखाती है। मिन चुपचाप वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, सीओ पहली बार कैंग के साथ में मूवी देखने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर कैंग तो काफी चुप होता है और सीओ हर बात पे कुछ न कुछ रिएक्ट करती है। और वहां से आते टाइम सीओ कैंग के साथ में एक फोटो भी क्लिक करवाती है। ये सारी बातें कैंग को काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि आखिरकार इस लड़की को हो क्या गया है। वेल तो उसके बाद ही कैंग के पास ऑफिस से कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर जाता है और सीओ भी गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही उसे देख रही होती है। और इसी तरह वो
धीरे धीरे करके डेट्स पे जाने लग जाते हैं और रोज रोज जा रहे होते हैं। फिर एक दिन सियो की नोज ब्लीडिंग देखकर योंग उसे रुकने के लिए बोलती है और कैंग को इन्फॉर्म करके सियो वहीं योंग के साथ में रुक जाती है। लेकिन तभी रूम की लाइट्स भी ब्लिंक करने लग जाती हैं, जिसे फिक्स करने के लिए योंग सियो का फोन लेकर कैंग को बुला लेती है। कैंग फिर आते ही उस लाइट को फिक्स करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे काफी देर हो जाती है। इसके बाद सियो खुद ही उस बल्ब को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जो कि दोस्तों कोरियन ड्रामा में होना तो खैर नॉर्मल बात होती है। योंग भी वहीं पर होती है, उसने सब देख लिया था। दोनों काफी ज्यादा एम्बेरेस हो जाते हैं, जिससे बाहर जाते समय कैंग फिर उसे पूछ रहा होता है कि क्या ये तुम्हारा पहला किस है, जिसे कि सियो झूठ बोलते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मैंने तो पहले भी बहुत बार किया है। फिल तो फिर उसके पास ये पूरी रात उसे किस के बारे में सोच रही होती है और उसने कैंग को गुड नाइट मैसेज भी कर दिया था, जिसको कैंग इग्नोर कर देता है, जिससे कि गुस्सा होके सियो तो सीधा उसे इग्नोर मारने लग जाती है। और फिर नेक्स्ट डे कैंग उसके क्लिनिक में आता है तो देखता है कि क्लिनिक बंद है। कैंग फिर उसे बहुत दिनों तक मैसेज करता है, लेकिन सियो तो सीधा उसे इग्नोर मार रही होती, क्योंकि वो काफी गुस्सा जो थी। और इधर कैंग का सेक्रेटरी एक पार्टी इन्विटेशन लेकर आता है, साथ ही बोलता है कि आप सियो के साथ यहाँ पर जाइए, जिससे कि आप उन सारे ब्लाइंड डेट से बच सकते हैं जो कि आपकी मॉम ने अरेंज किया है आपके लिए। जिसके बाद ही वो फिर सियो को वार्निंग देता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। और उसके बाद डरकर बेचारी सियो वहां पर पहुंच जाती है और फिर कैंग उसे एक नई ड्रेस दिलाने के लिए लेकर जाता है। और जैसे ही वो ड्रेस पहन के आती है ना, सियो को तो कैंग देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सुंदर जो लग रही थी। साथ में फिर वो पार्टी में जाते हैं, जहां पर यूरा भी होती है, जो कि सियो को फिर से बुली करने लग जाती है, लेकिन कैंग उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद सियो खाना खाने लगती है, जहाँ पर यूरा उसे उसके तौर तरीके पर काफी सुना रही होती है कि तभी कैंग भी वहाँ पर आ जाता है और सियो उसे कहती है कि मुझे इस पार्टी में नहीं आना चाहिए था। कैंग तो फिर उसे किसी कर लेता है, जिसका वीडियो सब लोग बना रहे होते हैं, जिसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे ये पता लगता है कि उसका ये जो वीडियो था ना, वो तो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो गया है, जो कि उसकी माँ ने भी देख लिया था। वो फटाक से उसे कॉल करती है, जिसके बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम ध्यान रखो, सीओ को ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सीओ भी अपना चेहरा छुपाकर डांस क्लास में जाती है, जहाँ पर नाचते हुए इसके पैर में मूंछ आ जाती है कि तभी यून उसे मसाज कर रहा होता है, जहाँ पर अपना हीरो पहुँच जाता है और उसे देखकर काफी जलन होती है और चुपचाप उसे घर ले आता है और जाकर उसे बैंडेज लगाता है। और उसके सोने के बाद वो तो उसे देखता ही रह जाता है। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग कैंग की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि सियो तो वहाँ पर है ही नहीं और उसे एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए खाना मैंने बनाकर रख दिया है, जिसे तुम खा लेना। उसके बाद कैंग वहाँ से निकलकर ऑफिस पहुँच जाता है और पूरे टाइम बस सियो के बारे में ही सोचने लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वो रूरल एरिया में घूमने तो नहीं निकल गई होगी। और इसी टेंशन में वो बार बार उसे टेक्स्ट करके पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर, जिससे कि फाइनली इरिटेट होकर वो उसे रिप्लाई करती है कि अपने लिए वो नया फ्लैट देख रही है, क्योंकि काउच पे सोते सोते उसकी कमर में दर्द हो गया है और वो और काउच पे नहीं सो सकती। लेकिन जैसे ही वो ब्रोकर से बात कर रही होती ना, तो उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि ओनर चेंज होने की वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है। जिसके बाद फिर कैंग वहाँ पहुँचता है और ये पता लगता है कि वो ही नया ओनर है, यानी कि भाई अब सियो के चक्कर में हमारे हैंडसम हीरो ने एक और बिल्डिंग खरीद ली थी। सब कुछ जाने के बाद सियो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत कुछ उसे उल्टा सीधा सुनाने लग जाती है। लेकिन कैंग भी उसे बताता है कि उसने पहले से ही सियो के लिए अपने घर में एक अलग रूम का इंतजाम कर दिया है। और फिर उसी रात योन अपनी एक फ्रेंड के साथ में एक डॉग को लेकर वहाँ पहुँचता है सियो के पास में, जिसको ट्रीट करने पर उसे पता लगता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और उसी टाइम पर कांग का भी कॉल सियो के फोन में आता है, जिसे योन उठाकर बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी यहाँ पर नहीं है, और ये बोलकर फोन को काट देता है, जिससे कि कैंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि डॉग को ट्रीट ना कर पाने की वजह से सियो काफी ज्यादा सैड होती है, क्योंकि उसके पास काफी कम टाइम जो था। फिर तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है कि तभी कैंग का कॉल आता है, जिसे जिन उठाकर उसे बाहर का पता बता देती है। और कैंग आकर सियो को उठाकर वहाँ से ले जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक होती है कि तभी रास्ते में सियो कैंग को ह्यून समझती है, जिससे कि गुस्से में वो उसे जमीन पर ही छोड़ देता है, क्योंकि कैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सियो ह्यून को अपना बहुत अच्छा फ्रेंड जो मानती थी और कैंग को कुछ भी नहीं समझती थी। लेकिन फिर उसके बाद एक ड्रंक आदमी आकर उसे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी कैंग आकर उसे वहां से ले जाता है।
जहाँ पर वो कैंग के ऊपर काफी सारी उल्टी भी कर देती है। बेचारा कैंग फिर उसे जाकर साफ करता है और दोनों के कपड़े चेंज करने लग जाता है। फिर तो सुबह उठते ही अपने चेंज कपड़े देखकर सियो तो जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे कैंग भी उठ जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ, फटाक से तुम भी ये जगह खाली कर दो और फाइन अमाउंट भी तैयार रखो। जिसे सुनते ही वो तो डर जाती है और माफी मांगने लग जाती है। लेकिन भाई इसी बहाने से कैंग उसे अपने घर में शिफ्ट करने के लिए मना ही लेता है। यानी कि दोस्तों ये सब अपने हैंडसम हीरो की प्लानिंग थी। पर तो बाद में जब कैंग ऑफिस पहुंचता है तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि उसकी माँ ने उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोला है। जिसके बाद जब वो जाता है तो उसे पता लगता है कि उसकी डेट कोई और नहीं बल्कि योरा है, जिसे वो तुरंत बोलता है कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड, उसका नाम सियो है, तुम उसे अच्छे से जानती हो। लेकिन योरा कहती है कि तुम एक बार मुझे डेट करके तो देखो, सियो को भी भूल जाओगे। जिसे गुस्से में आकर कैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यून के साथ में डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, वहाँ पर कैंग पहुँच जाता है। काफी जेलसी हो रही होती है, सीधा दोनों को जाकर अलग कर देता है और इसके साथ में डांस करने लगता है और ये बात उन्हें काफी अजीब लग रही होती है। वेल तो उसके बाद दोनों क्लिनिक पे जाते हैं, जहाँ पर सीओ से कहती है कि क्या हो अगर मैं तुम्हारा घर बाद में खाली ना करूं। जहाँ पर कैंग बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद सीओ बताती है कि अगर मैं तुम्हें ना जाने दूं, जिससे कैंग थोड़ा शांत हो जाता है। साथ ही बोलता है कि अभी वैसे भी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो शिफ्ट हो जाती है, जहाँ कैंग का घर देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। बहुत ज्यादा खूबसूरत और बड़ा जो था, और कैंग भी उसे रूम में छोड़ देता है, जहाँ पर वो अपने बेड पर काफी ज्यादा उछल उछल कर खुश होने लगती है। तभी फिर कैंग आ जाता है और वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। थंडरस्टॉर्म की वजह से सियो को काफी डर लगने लग जाता है, लेकिन कैंग के आते ही वो तो उसे पकड़ कर ही हग कर लेती है, जिससे कैंग को काफी अजीब फील हो रहा होता है। उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट हो गई थी और वो उसे तुरंत अपने से दूर हटाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पर दोनों में बात होती है कि घर का काम आखिर कौन करेगा, तो फिर दोनों ही आपस में डिवाइड करने लग जाते हैं। जहाँ पर फिर सीए बोलते हैं कि जिस दिन मैं खाना बनाऊंगी तो तुम उस दिन बर्तन धोगी। और ऐसे ही सब बातों के बाद दोनों काम के लिए निकल जाते हैं। और वहीं रास्ते में कैंग उसे डांस क्लास छोड़ने के लिए बोलता है और सीए के पास कोई भी रास्ता नहीं था और इसलिए वो उसी बात मान लेती है। जिसके बाद वो उसे क्लिनिक छोड़कर ऑफिस निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ क्लिनिक में उतरते ही सियो को ह्यून मिलता है और ये चीज कैंग भी अपनी कार के साइड मिरर से देख रहा होता है और बहुत ज्यादा जेलस और गुस्सा होता है। यहाँ पर ह्यून सियो को बता रहा होता है कि वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है और साथ ही उसे इसका इतना अच्छा दोस्त बनने के लिए थैंक्स कहके वहाँ से चला जाता है। लेकिन भाई यहाँ पर तो कैंग गुस्से में सियो को कॉल करके काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन ये पता लगते ही कि कैंग वहाँ से चला गया है, भाई उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जिसके बाद सियो उसे रात में घर पे मिलने के लिए बोलती है। वहीं घर जाकर सियो को यंग का मैसेज आता है और उसे पता लगता है कि जिस डॉग को उसने ट्रीट किया था वो बेचारा अब मर चुका है। और दोस्तों ये सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास भी एक बहुत प्यारा सा डॉग है जिसका नाम बोबो है। और दोस्तों आपके डॉग का क्या नाम है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और आप डॉग लवर हो या नहीं ये भी मुझे बता देना। साथ ही अपने डॉग का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। सो बैक टू द स्टोरी, सियो को भी ये जानकर वैसे ही दुख हो रहा होता है दोस्तों, जैसे कि अभी आपको मुझे हो रहा है। वेल तो उसकी ओनर ने सियो के क्लिनिक को इतने अच्छे से रिव्यू दिए थे कि अगले दिन उसके क्लिनिक पर भीड़ ही लग जाती है, जिसकी वजह से वो कैंग को बताती है कि वो घर नहीं आ पाएगी। फिर ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं, क्योंकि सियो के पास बहुत सारा काम होता है, जिससे कि कैंग काफी ज्यादा गुस्सा होकर सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिर इस शहर में और कोई पेट क्लिनिक नहीं है क्या। सेक्रेटरी भी बोलता है कि बॉस ये तो आपको ज्यादा पता होगा ना, और अगर आपको जाना है तो आप खुद ही जाकर चेक कर लीजिए। जिसके बाद वो क्लिनिक जाता है, जहाँ पर सियो बैठे बैठे ही सो रही होती है और वो थोड़ी देर उसे ही खोने लग जाता है और फिर उसे टच करता है कि तभी सियो उठ जाती है। जिसके बाद दोनों इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि दोनों में किस हो जाती है, वो तो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद कैंग उसे घर ले जाता है, जहाँ पर दोनों गार्डन में ही बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर कैंग उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमें दूसरे लोगों के सामने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। लेकिन फिर कैंग तो उसके सर पर ये बोलकर किस करने लग जाता है कि हम तो अभी भी बाहर ही हैं। बस तो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं दोस्तों कि कैंग का भाई अमेरिका से घर वापस आता है, जिसका नाम जून है, जो कि घर पहुंचते ही सियो को देखता है और सियो भी उसे देखकर डर जाती है और उसके बारे में पूछते हैं कि तभी वो बताता है कि वो कैंग का छोटा भाई है। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जैसे ही कैंग को जून के आने के बारे में पता लगता है ना, वो तो भागता हुआ सीधा घर पहुंचता है और आकर देखता है कि सियो और जून दोनों बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं। जून भी फिर सियो से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती है कि मेरी फैमिली
फलों की खेती करती थी और ये सुनते ही वो थोड़ा सरप्राइज होता है। वही कैंग भी सियो को उसके रूम में जाने के लिए बोलता है, लेकिन जून उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर गुस्से में वो उसे अपने साथ लेकर ही चला जाता है और जाकर बोलता है कि भले ही वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो एक लड़का है और इसलिए तुम उससे दूर रहना। यानी दोस्तों साफ साफ पता चल रहा था यहाँ पे कि अपने हीरो को जलन हो रही थी। तो फिर उसके बाद कैंग जून से होटल में रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो तो मना करके अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो अपनी और कैंग की फोटो को देखता है किसी लड़की के साथ में। और इधर कैंग भी सुबह सियो को साथ में लेकर क्लिनिक छोड़कर वहाँ से चला जाता है कि तभी ऑफिस में सिक्योरिटी उसे बताता है कि जून अपनी एक छोटी सी चोट को लेकर क्लिनिक गया है, यानी कि सियो के पास गया है। और वही क्लिनिक में सियो जून को बोलती है कि यही एनिमल का क्लिनिक है, लेकिन भाई जून तो मानता ही नहीं है और जबरदस्ती उसे अपनी चोट को ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है, जिसे वो भी मान जाती है। उसके बाद सियो एक डॉग को इंजेक्शन लगाने वाली होती है कि तभी जून आकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है, जिससे कि डॉग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सियो के हाथ में चोट लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है, जहाँ पर तभी कैंग भी पहुंच जाता है और जून के ऊपर काफी भड़कने लग जाता है और उसे सियो से दूर रहने के लिए बोलता है। और दोनों के बीच में काफी बहस हो जाती है और सारे के सारे जानवर डरने लग जाते हैं कि तभी सियो उन दोनों को बाहर निकाल देती है। काफी ज्यादा गुस्सा होती है, जिसके बाद कैंग सियो से सॉरी बोलता है, उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। तो फिर बाद में दोनों भाई ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं और जून सीओ से अपनी टाई बनवाने लग जाता है, जिससे कि कैंग को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ये बार बार सीओ के करीब क्यों जाता है। और जाते टाइम वो लिफ्ट में दोनों भाइयों की बातों से गाइस ये पता लगता है कि कैंग की एक्स गर्लफ्रेंड को जून ने सेड्यूस किया था, जिसकी वजह से उसने कैंग को छोड़ दिया था और शायद जून यही सीओ के साथ में भी करना चाहता है, इसलिए कैंग उसे सीओ से दूर रहने के लिए बोलता है बार बार। बेल्ट उसके बाद हम सीओ को देखते हैं, जो कि जून का रूम साफ करने के लिए जाती है और वहीं देखती है वो फोटो जिसमें कि दोनों एक लड़की के साथ में थे और वही लड़की कैंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। दोस्तों यहाँ पर ऑफिस में भी जून सोशल मीडिया पर देख रहा होता है कि कैंग की एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है, जिससे कि वो कैंग से बोलता है कि तुम भी खुश हो और तुम्हारी एक्स भी खुश है, लेकिन उसके बाद मैं ही ऐसा क्यों रहूं। लेकिन कैंग उसे इग्नोर करता है, वहां से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कैंग घर जाकर सीओ के साथ में बहुत ही प्यार से बात कर रहा होता है और उसे उसके साथ रुकने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जून भी एक बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और इसके सारे कार्ड्स डिक्लाइन हो जाते हैं और साथ ही कैंग को कॉल करता है वहाँ पर आने के लिए, लेकिन कैंग उसे बोलता है कि ये सब ड्रामा तुमने खुद किया है, इसलिए अब इसे तुम खुद ही निपटो। लेकिन कुछ भी हो, था तो वो कैंग का छोटा भाई ही, इसलिए वो जून को लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है, उसे घर लाकर बहुत ज्यादा सुनाता है और जून भी सीओ को कैंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है और उल्टा सीओ उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। यानी कि दोस्तों हमारी हीरोइन भी काफी शातिर और लाग थी। फिर तो उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सियो दोनों भाइयों को कपड़े धोने सिखा रही होती है कि तभी वो सब पानी से खेलने लग जाते हैं और काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन तब तक उन दोनों भाइयों की मॉम वहाँ पर पहुँच जाती है और सियो को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है। उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो ये पता चलने के बाद कि वो फलों की खेती करते हैं, उसकी माता सियो से कहती है कि शायद उसी वजह से उन्हें तुम्हें पालने का टाइम नहीं मिला, जो बात सियो को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है और वो अपनी फैमिली के बारे में ऐसा ना बोलने के लिए उन्हें कहती है, जिसके बाद उसकी मॉम उसे वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी बेटे से बात करना चाहती थी। जैसे ही फिर वो बात कर रहे होते तो सियो भी वहां पर पहुंच जाती है और कैंग की माँ उसे पसंद नहीं करती है, जिससे कि सियो वहां से चली जाती है, जहाँ पर कैंग भी अपनी मॉम के रोकने के बावजूद भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद कैंग की माँ की नजर सीओ के कैट पर पड़ती है और फिर वो सीओ का रूम जाकर देखती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है कि सीओ तो उनके बेटे के साथ ही उसके घर में रहती है। तो वही जून उनसे कहता है कि सीओ के साथ ऐसा ना करे क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है और साथ ही उसकी बड़ी बहन जैसी है। तो वही दूसरी तरफ दोस्तों हम देखते हैं जहाँ कैंग सीओ को लेकर क्लिनिक आ जाता है और आकर सीओ से अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगता है, साथ ही बोलता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैंग के पास उसकी मॉम का बहुत बार कॉल आता है, लेकिन वो तो उन्हें इग्नोर मारता है, जिसे सीओ से समझाती है कि वो जैसे भी है उसकी मॉम है और साथ ही उसे घर जाने के लिए बोलती है। और तो उसे बोलती है कि तुम मेरा सारा सामान और मेरी कैट भी मुझे दे दो, लेकिन कैंग उसे ये सब कुछ बोलने से मना कर रहा होता है और साथ ही उसे कंफर्ट फील करवाता है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती, साथ में ही वो लोग रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि कैंग घर आ जाता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे मिलती है क्योंकि वो वहीं पर उसका वेट कर रही थी और कैंग उनसे कहता है कि वो सच में
जो उसे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन उसकी मॉम को उनका कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, पर कैंग कहता है कि जो भी हो ये सब कुछ पुरानी बात है, लेकिन नर्फ उस यो को छोड़ना नहीं चाहता। जिस पर उसकी मॉम उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट सीओ से साइन करवाना होगा, जिस पर दोस्तों लिखा हुआ होता है कि वो कभी भी कैंग को डाइवोर्स नहीं दे सकती है। और कैंग ने अगर कभी भी सीओ को छोड़ा तो सीओ का अपना बच्चा उसके पास ही छोड़कर उसे जाना होगा। और भाई ये देखते ही कैंग तो काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे ये सब कुछ फोर्सफुली करने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी तो अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा ही सोच रही थी ना। वेल तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैंग ऑफिस में बैठा हुआ होता है और वही वो इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर कैसे वो सीओ को इन सब चीजों के बारे में बताए। थोड़ी देर बाद ही कैंग सीओ के क्लिनिक में जाता है और वहाँ वो देखता है कि सीओ को कोई और लड़का अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। ये देखती वो काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर सीओ से बताती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई चायुन सीओ है, जिसे कैंग थोड़ा शांत हो जाता है। और उसके बाद वो आपस में ही बात करने लग जाते हैं और चायुन को भी पता लगता है कि कैंग DOL ग्रुप का सीईओ है, और साथ ही उसकी बहन का बॉयफ्रेंड भी, वो तो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसे इतना केयरिंग और अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया। सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीओ के क्लिनिक में, वहाँ पर अचानक से कैंग की मॉम पहुंच जाती है जो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है। साथ ही बोलती है कि कैंग तुमसे शादी करना चाहता है और तुम्हें इस पर साइन करना होगा, जिसपे कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर सीओ तो साफ इनकार करने लग जाती है कि तभी कैंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके आने के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और सीओ और कैंग के बीच में बहस होने लग जाती है, जिसपे कैंग उसे कहता है कि वो सच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है और उससे ही शादी करना चाहता है। लेकिन सीओ उस कॉन्ट्रैक्ट को मारने से इनकार करने लग जाती है, जिसके बाद दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और इसी रात सीओ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, काफी हार्ट ब्रेक हुआ था उसका, और सब कुछ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कैंग को एक वीडियो आता है जिसमें सीओ ने उसे हर चीज के लिए थैंक्स बोला हुआ था। साथ ही बोलती है कि वो उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है, लेकिन अब वो वहाँ से जा रही है, जिसके बाद कैंग फिर फटाक से क्लिनिक पहुँचता है भागता हुआ, जहाँ पर सीओ की कैट को वो घर लेकर आता है, जिससे कि उसकी माँ तो काफी भड़क जाती है। लेकिन सब कुछ समझने के बाद और अपने बेटे की खुशी के लिए उन्हें भी सब फाइनली ठीक लगता है, जिसके बाद कैंग ठान लेता है कि सीओ को वापस लाकर ही रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ सीओ का भाई क्लिनिक संभाल रहा होता है और वो सीओ को कॉल करता है कि सीओ अपनी विलेज में होती है, और फिर कॉल उठाकर चायुन उससे बोलता है कि उसका क्लिनिक संभालने के लिए वो उसे पैसे लेगा। और साथ ही यहाँ पर बहन भाइयों में बहस होने लग जाती है, दोस्तों जैसे कि नॉर्मली भाई बहनों में होती है। देखते ही देखते जून भी क्लिनिक में पहुंच जाता है, जहाँ पर फिर हमारे हीरो और हीरोइन दोनों के भाई ही एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बात करने लगते हैं कि तभी कांग भी पहुंच जाता है और सीओ के एड्रेस के बारे में पूछता है कि वो विलेज में कहाँ है। वहीं फिर दूसरी तरफ सीओ को उसके विलेज में दिखाया जाता है, वो फोन में अपनी देखती होती है, जहाँ पर कैंग ने उसे बहुत सारे मैसेज करके रखे थे, जिसके बाद वो फाइनली वापस जाने का मन बना लेते, क्योंकि वो भी कैंग के बिना रह नहीं पा रही थी। लेकिन तब तक कैंग भी वहाँ पर उसके छोटे भाई से एड्रेस लेकर उसे मिलने के लिए निकल चुका होता है। और उधर विलेज में पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, फटाक से हग कर लेते हैं। दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को फाइनली ट्रू फीलिंग्स के बारे में पता था, जिसके बाद कैंग उसे जिंदगी भर अपने साथ रहने के लिए प्रपोज कर देता है और सीओ भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वापस आकर दोनों शादी कर लेते हैं। और इस तरह से मिलती है हमारे ड्रामा को एक प्यारी भरी एंडिंग दोस्तों, जिसमें सब खुश होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे हीरो हीरोइन साथ में होते हैं, उसकी मॉम खुश होती है, और इसी के साथ हमारी इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। और हाँ, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि आपके डॉग का क्या नाम है और आप डॉग लवर हो या नहीं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैंने भी आपको अपने डॉग का नाम वीडियो के बीच में बताया है, और अगर आपको उसका नाम याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जिनके भी आंसर सही होंगे ना, मैं उनको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाली हूँ, तो इसलिए नाम जरूर बताइएगा। सो गाइस, फिर इसी के साथ आप भी बिना किसी प्रॉब्लम के खुश होकर लाइक बटन को दबा दीजिए और खुश हो जाइए, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो। साथ ही वीडियो को शेयर करके आप भी थोड़ा सा प्यार और पॉजिटिविटी को बांटिए, और अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए।